अजमेर में दीपावली का सीजन आने के साथ ही व्यापारियों और यातायात पुलिस में एक बार फिर झड़प देखने को मिली। पुलिस द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। दीपावली के त्यौहार पर यातायात पुलिस ने यातायात को सुगम रखने के लिए विशेष अभियान चलाया और व्यापारियों को हद में रहने के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि कई व्यापारी 3 से लेकर 10 फीट तक बाहर निकलकर व्यापार कर रहे हैं, जिसके चलते आवागमन बाधित रहता है और कई बार ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा होती है, जिसे लेकर व्यापारियों को कई बार आगाह किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर यातायात को सुगम करते हुए कई स्थानों पर सामान को जब्त किया गया और वाहनों के चालान भी काटे गए। इसके साथ ही व्यापारियों को निर्देशित किया गया कि वे दीपावली के मद्देनजर प्रशासन को सपोर्ट करें, जिससे कि अजमेर शहर को स्मार्ट शहर बनाया जा सके और किसी अप्रिय घटना से भी बचा जा सके। इस दौरान व्यापारियों का गुस्सा भी देखने को मिला और उन्होंने देखते ही देखते मदार गेट बाजार को बंद करवा दिया और सभी व्यापारी नगर निगम पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि यातायात को सही रखने के लिए यातायात पुलिस का अभियान जारी रहेगा। ये आज और कल जो यातायात व्यवस्था है और लोगों के जो दुकान के बाहर लगभग 5 फीट 6 फीट 7 फीट इवन दिन कहीं कहीं 10 फीट तक लोगों ने जो दुकानों के बाहर सामान रख रखे हैं उनको समझाइश की गई। समझाइश के बाद भी जो नहीं मान रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और ये कार्रवाई आगामी त्यौहार को देखते हुए ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, यातायात सुगम रहे, लोग अपने गंतव्यों तक शांतिपूर्ण तरीके से जा सकें, इसके लिए दुकानदारों को ये कहा गया है कि वो अपनी जो दुकान है उस दुकान को एक निश्चित सीमा तक ही ले जावें। तो बताते हैं नगर निगम में उनको 3 फीट के लिए कह रखा है, लेकिन कई जगह वो 3 फीट से ज़्यादा उन्होंने पक्का निर्माण कर रखा है, तो उनको बताया गया है कि भाई ऐसा आप नहीं करें और जिनका ज़्यादा ही था उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और समझाइश की। अब वो कार्रवाई के विरोध स्वरूप उन्होंने की होगी कि वो ये व्यापारी ये चाहते हैं कि जैसा हम करें वैसा ही करते रहें, हमें कोई टोके नहीं, हमें कोई रोके नहीं, ऐसा उनका मंतव्य होगा, इसलिए उन्होंने दुकान बंद कर रखी होंगी। बाकी तो और तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब किसी आदमी ने 10-15 फीट बाहर दुकान लगा रखी है और उसकी अगर वो हटाएंगे तो वो उसको गुस्सा आना लाजमी है, तो उसको कहा गया है भाई आप ऐसा गलती कर रहे हैं, तब आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और मन में वो भी समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, दीपावली भी आने वाली है, बार बार शहर के अंदर जाम की शिकायतें आ रही थी। इस शिकायत को देखते हुए आज ऐसे जो क्लॉक टावर के साथ क्लॉक टावर इलाके में हमने पूरा दौरा किया है और जो भी लोगों ने बाहर सामान रख रखा था उसको 60 पुलिस एक्ट में जब्त किया है और इसके साथ ही MP एक्ट के तहत भी गाड़ी वगैरह उठाई है और उन लोगों को कुछ लोगों को हिदायत दी गई है कि अपना सामान हद में रखें। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। विरोध करने वालों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि बार बार ये शहर आपके लिए आपकी धरोहर है, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, पहले आपको स्मार्ट खुद को बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने के लिए खुद को रूल फॉलो करने पड़ेंगे कि मुझे मेरी हद में रहना है। ये 3 फीट का नाम लेकर के बार बार 3 फीट की एवज में 10-10 फीट तक इन्होंने रोड को अतिक्रमण कर रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं एक बार इनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत ही हमली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग हद में रहें और अगर हद में नहीं रहते हैं तो त्यौहार को सीजन को देखते हुए और लोगों की आवागमन ज़्यादा हो रहा है तो यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सख्ती से आगे कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल सर, कार्रवाई बिल्कुल आगे जा रही है।